टीएस टेस्ट सीरीज के अपन सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक कंपाउंड मेड ऑफ पार्टिकल ए बी सी, एक कंपाउंड है जो पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी से बना हुआ है, ठीक है, फॉर्म सीसीबी लैटिस, ठीक है, सीसीबी लैटिस बना रहा है। आई एन ए आर एट द लेटेस्ट पॉइंट, मतलब ए जो है सीसीबी फॉर्म कर रहा है, मेनली सीसीबी कौन फॉर्म कर रहा है, ए, ए क्रिस्टलाइज हो रहा है, ए क्रिस्टलीकृत हो रहा है। उसके बाद में बी ऑक्यूपाई टी एस वी, बी कहाँ जा रहा है, टी एस वी में कौन जा रहा है, ऐसे लिख देता हूँ, टी एस वी में कौन जा रहा है, टी एस वी में जा रहा है बी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ओ एच बी में कौन जा रहा है, सी ऑक्यूपाई ओ एच बी या ओवीज, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रोवॉइड जिसको बोलते हैं, तो ओ एच बी में या ओवी में कौन जा रहा है, ऑक्टाहाइड्रोवॉइड में सी। यही बात अपने को लिख रखी है कि ए जो है वो जालक बना रहा है सीसीबी, और ठीक है बी चतुष्फलकीय रिक्ति का है, मतलब टीएसपी में, और बी अष्ट और सी जो है अष्टफलकीय रिक्ति का है, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है, अब पहले तो इस ठोस का जो फॉर्मूला बनेगा, इस सॉलिड का जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को बनाते हैं। अपने को पता है कि सीसीबी जो पार्टिकल्स होते हैं वो टोटल कॉर्नर पे हैं प्लस फेस सेंटर पे हैं, कॉर्नर का मिला के पूरा एक होगा और फेस सेंटर का मिला के टोटल तीन, फेस सेंटर के होके मिला के टोटल चार एक एटम होंगे। और अपने को पता है कि जितने सीसीबी क्लोज पैकिंग में जाते हैं उससे डबल टीएसवी आते हैं और उतने के आते हैं ओएचवी। तो टीएसवी में चार हैं तो आठ टीएसवी बनेंगे, और ओएचवी जितने क्लोज पैकिंग में जाते हैं, जितने निविड़ संकुलन में जाते हैं उतने ही ओएचवी बनते, चार ओएचवी। तो अपने को पता होना चाहिए कि कितने एक सीसीपी में टीएचवी होते हैं, कितने ओएचवी होते हैं, तो वो मेरे को आइडिया था। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए के टोटल चार पार्टिकल आ चुके हैं, कैसे चार पार्टिकल आए होंगे वो अपने को समझ में आता है, चलो, क्योंकि कॉर्नर पे है ए और फेस सेंटर पे भी है। चलो उसके बारे में बात करते हैं, बी, बी कहाँ पर है, बी लिखा है चतुष्फलकीय रिक्ति का, और टोटल बी कितने हो जाएंगे, एट, ठीक है। और यदि बात करूँ ओ एच सी की, सी ओ एच वी पे है तो सी टोटल कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा फोर। ये तो सॉलिड का फॉर्मूला है जो अपने सामने बनेगा, सॉलिड का फॉर्मूला। अब क्या बोला जा रहा है कि देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यदि इफ आयंस अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, यदि किसी एक एक्सिस के अलोंग आयन को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ठीक है अपन एक एक्सिस के अलोंग, एक एज के अलोंग बोल सकते हो, एक एक्सिस के अलोंग बोल दो, एक ही बात है, हालांकि हिंदी में लिखा है, एक भुजा एस लिखा है एकदम साफ। यदि किसी भुजा के अनुदिश आप इस क्लोज पैकिंग में देखोगे, यदि ये सीसीबी फॉर्म करता है तो किसी भी एज पर कौन कौन आता है, ये कॉर्नर जो ए का बना है, ये कॉर्नर जो कि ए का बना है सीसीबी का है, और यदि बात करूँ इस एज, मैं इस एज से चर्चा कर रहा हूँ, मेरी चर्चा हो रही है इस एज के अकॉर्डिंग हो रही है, जो चर्चा कर रहा हूँ मैं आपके सामने इस एज के लिए चर्चा कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये वाला पॉइंट ओ एच वी का होता नहीं है क्या, जो कॉर्नर एज का सेंटर होता है, एज का जो सेंटर होता है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, ओ एच वी का, वन फोर्थ ओ एच वी यहाँ पर आती है, वन फोर्थ ओ एच वी यहाँ होती है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर ओ एच वी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट मैं आपको अगले में, ये अभी तक जो किया है उसको नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं। तो अपन अभी तक जो किया उसको देखो, ए हो गया फोर, बी हो गया एट क्योंकि वो टीएसपी पे था, और सी हो गया फोर क्योंकि वो ओएचपी पे था, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, एक एस से हटाया, तो एक एस पे कौन हटेगा, दो कॉर्नर हट जाएंगे, एक मतलब यदि आप हटाने की बात कर रहे हो इस टीएसपी के अंदर, पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वहाँ जगह कम थी, तो यहाँ पर मैं काम में ले रहा हूँ इसको, तो इस जगह पर आपने पता है कि दो कॉर्नर हटे थे और यहाँ पर एक ओएचपी भी, मतलब एक ओएचपी वाला लेटेस्ट पॉइंट से रिमूव होगा, ठीक है। तो दो कॉर्नर वाले रिमूव तो हुए हैं, दो कॉर्नर पे है कौन, दो कॉर्नर पे कौन है, ए नहीं लिखा हुआ क्या, यहाँ पर मेरे को हालांकि कॉर्नर लिखना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर मैं कॉर्नर लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। कॉर्नर पर दो कॉर्नर पर हटे हैं, ठीक है, और एक ओएचवी से हटा है, एक ओएचवी वाले जगह से हटा है, कॉर्नर का अपने को पता है कि कॉर्नर पर रखा हुआ ए है, तो ए का रिमूवल हुआ होगा, ठीक है, और ओएचवी पे कौन रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, सॉरी ओएचवी पे सी रखा हुआ, तो सी का रिमूवल हुआ होगा। लेकिन इस एक लेटेस्ट पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, सहभागिता जो होती है, एक कॉर्नर वाला, तो 1/8 नहीं होती क्या, लेकिन ऐसे दो कॉर्नर है तो टोटल ए कितने हटे होंगे, दो से गुणा कर दिया, तो 1/4 जो है ए रिमूव नहीं हुआ होगा क्या,
मतलब दो कॉर्नर 1/4 टोटल हट जाएंगे, 1/4 ए रिमूव हो जाएगा। यदि बात करूँ OHV की, तो मैंने बताया कि OHV जो होता है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, जो है सेंटर की तरह काम करता है, मल्टीप्लाई बाई 1 क्योंकि एक से हटा है, तो ये भी 1/4, मतलब ए 1/4 से कम हो जाएगा और सी भी 1/4 से कम हो जाएगा। तो ए 4 था माइनस 1/4 बोले तो 0.25 लिख सकता हूँ इसको, 0.25, और बी में कोई चेंज नहीं, 8 का 8 पड़ा है, सी में फिर 1/4 से कम, तो 1/4 से कम कर दिया। तो ये 1/4 या 0.25 लिख दो, फॉर्मेट जो आंसर का उस पर डिपेंड करता है। तो ए कितना हो जाएगा, 0.25 जाएगा तो 3.75 आ जाएगा, बी में कोई चेंज नहीं, और सी कितना आ जाएगा फिर से 3.75। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो अपन देख सकते हैं उसके अंदर जो दिया है, ए आ गया 0.37, बी सेम रहा और सी के अंदर कितना आ जाएगा 0.37। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नंबर ऑफ, एक सेकंड, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम है पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने एटम है पहली बात, दूसरी बात पूछी जा रही है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो डायमंड के लिए यदि बात करें, डायमंड किस तरह से अरेंजमेंट होता है वो थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, डायमंड का किस तरह का अरेंजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली डायमंड के अंदर अपन ने अरेंजमेंट ढूंढा है, ऐसा नहीं कि डायमंड जैसे अपन जो भी अरेंजमेंट देखते हैं वो अपन अरेंजमेंट सोचते हैं कि डायमंड में, आप सबको पता है कार्बन टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होता है, डायमंड में कार्बन किस तरह से होता है टेट्राहाइड्रल फॉर्म में। तो लोगों ने दिमाग लगा कि टेट्राहाइड्रल जो ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहाइड्रोन ज्योमेट्री जो बनती है वो THV के अकॉर्डिंग बन सकती है, टेट्राहाइड्रल वर्ड के अकॉर्डिंग बन सकती है। तो लोगों सोचने लगे कि हो सकता है कि एक कार्बन एटम टेट्राहाइड्रल वर्ड में हो और बच्चे जो टेट्राहाइड्रल वर्ड है तो उससे जो सराउंडिंग एटम वो टेट्राहाइड्रोन के फॉर्म में रहते हैं। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि अपन क्यों ना इसके अंदर FCC ढूंढी जाए, और FCC का जो टेट्राहाइड्रोन का सेंट्रल एटम है वो उस वर्ड के अंदर हो गया, सराउंड में जो टेट्राहाइड्रोन चार कार्बन आते हैं वो कहीं ना कॉर्नर या फेस सेंटर का काम कर रहे होंगे। तो इसमें किस तरह से दिमाग लगेगा और अच्छे समझते हैं इसको, जैसे मैं इनकी बात करता हूँ, ये हो गया, ये कॉर्नर एटम है और ये कॉर्नर एटम हो गया, ये कॉर्नर एटम सारे, हालांकि सारे को ज़रूरत नहीं मेरे को, फिर भी अपन बना लेते हैं। और ये है फेस सेंटर, ये रहा एक फेस सेंटर, ये रहा एक और फेस सेंटर, और अपन डील करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इस THV का, यहाँ पर एक THV होता है, अपन सबको पता है यहाँ पर एक THV टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब आप इस TSP देखो, एक और फेस सेंटर रह गए हैं वो बना देता हूँ मैं, दो फेस सेंटर की और जरूरत पड़ेगी मेरे को, एक जो पीछे वाली फेस है उसका सेंटर नहीं चाहिए होगा क्या, पीछे वाली फेस का सेंटर भी चाहिए होगा। अब जरा ध्यान से देखना कि ये जो सेंटर में जो है वो मैं THV टेट्राहाइड्रल वॉइड में कार्बन को मान रहा हूँ, तो यदि इस जगह पर कार्बन है तो ये इनके साथ टेट्राहाइड्रोन फॉर्म में नहीं है क्या, इनके साथ टेट्राहाइड्रोन मतलब ब्लैक वाला कार्बन जो है इन तीन ब्लू के साथ और एक येलो के साथ टेट्राहाइड्रोन फॉर्म में नहीं आ गया क्या, और यहाँ पर सेंटर में टेट्राहाइड्रल वॉइड होता होगा। तो अपन ने माना है कि हर THV एक छोड़ के एक अल्टरनेट, हर मतलब एक छोड़ के एक जो THV है वहाँ पर, क्योंकि सारों में आ नहीं सकते हैं कि कार्बन का साइज और जो THV प्रेजेंट कार्बन है वो सेम साइज के, रेडियस रेशियो 1/1 हो जाता है। तो इस केस में इतने छोटे साइज, इतने छोटे THV उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, लोग क्या बोलते हैं या इसमें जनरली क्या बोला जाता है कि अपन लोग एक को छोड़ के एक भर देते हैं ताकि वो ऑक्यूपाई कर सके, थोड़ा सा इसको अपन बड़ा वॉइड मान के एक छोड़ के एक ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो क्या किया गया, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड भरा है तो उसका अल्टरनेट वाला खाली है, तो टोटल टेट्राहाइड्रल वॉइड 8 थे जिसमें 4 तो भरे हुए हैं और 4 खाली पड़े हैं, आगे बात समझ में, और उसके अलावा मतलब 4 भरे हुए हैं और कार्बन ही, क्या बोला, दो बातें अपन जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं दो चीज़ें डील करते हैं, एक तो बात ही डिस्कस करते हैं कि क्लोज पैकिंग में कौन गया है, तो क्लोज पैकिंग में भी कार्बन ही गया है, क्लोज पैकिंग में कौन गया है, कार्बन, क्लोज पैकिंग में कार्बन गया। जब कार्बन क्लोज पैकिंग में गया तो कैसी क्लोज पैकिंग मानी, टेट्राहाइड्रल वहाँ जहाँ मिलेगा वहीं क्लोज पैकिंग माननी पड़ेगी, और टेट्राहाइड्रल वर्ड FCC या CCP मिलता है, तो कार्बन क्लोज पैकिंग बना रहे CCP टाइप की, तो टोटल CCP टाइप का बनाएंगे तो 4 कार्बन एटम तो CCP के कारण आ जाएंगे, 4 कार्बन के एटम तो CCP की वजह से आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अल्टरनेट TSV, अपने को पता है TSV जो है वो टोटल होते हैं 8 TSV से कितने फिल किए हुए हैं अल्टरनेट एक छोड़ के, 8 में से 4 भरे हुए हैं, तो 4 THV में अंदर आ गए होंगे, फिर डिवाइड बाई आपको क्या करना है, सॉरी डिवाइड किया, टोटल ऐड करना है, टोटल कार्बन एटम कितने हो चुके हैं, तो 4 CCP वाले हैं और 4 THV वाले हैं,
तो टोटल कितने हो गए, 8 कार्बन एटम है। तो 8 कार्बन एटम के पास तो एक तो थर्ड ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन भी है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी बजाना पड़ेगा। तो हालांकि पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट भी कर सकते हो, और इन जनरल याद रखने को बोला जाता है कि इसकी 34% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। और वैसे मतलब यदि अपन कैलकुलेट करना चाहे तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। टोटल एटम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब जो वॉल्यूम एक कार्बन एटम का, ऐसे 8 कार्बन एटम आ रखे हैं, डिवाइड बाई ए क्यूब। और यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई बाई ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस इसमें ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इससे रिलेशन निकालना पड़ेगा ए और आर के बीच में। उससे अपन हालांकि इसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है, इसके बजाय मैं सोचता हूँ कि 34 आपको पता होनी चाहिए जो डायमंड का पैकिंग एफिशिएंसी होता है। डायमंड बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता लेकिन स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 34% और 8 क्या हो जाएंगे टोटल इसमें कार्बन एटम। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है CSCL में अंतर आयनिक दूरी क्या है ना, द इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन CSCL। पहले तो ये बताना चाहिए कि CSCL टाइप का जो कंपाउंड होता है, CSCL टाइप का जो कंपाउंड होता है वो किस तरह का लैटिस फॉर्म करता है। तो इसमें बड़ा ही सिंपल सा है, CSCL का जो रेडियस रेशो इस तरह से होता है, CS और CL का रेडियस रेशो इस तरह से होता है कि जो CL है वो तो बनाता है SCC, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसके क्यूबिक वॉइड में सीजियम प्लस बैठा होता है, क्यूबिक वॉइड में सीजियम प्लस प्रेजेंट होता है। हालांकि इसको कुछ लोग BCG भी बोलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो रेडियस रेशो है ना वो 0.731 से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 1 के आसपास होता है। साइज़ हल्का सा थोड़ा सा सीएल बड़ा होता है लेकिन साइज ऑलमोस्ट जब सेम होता है, इस वजह से इन जनरली बोल दिया जाता है BCG टाइप का दिखता है, क्योंकि बॉडी सेंटर में लगभग उतनी साइज का आ गया क्यूबिक वॉइड जो बना है और उतनी साइज का कॉर्नर में लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें एग्जैक्ट कुछ लोगों पर लिखा रहता है ये BCG टाइप का, हालांकि BCG टाइप की बजाय इसको बोलना चाहिए कि एक ने बनाया SCC NI ने, और जो सीजियम प्लस है वो किस में जा रहा है, उसके क्यूबिक वॉइड में। तो कुछ इस तरह से यदि इसको अपन ड्रॉ करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पर तो जो 8 कॉर्नर एटम है यहाँ पर कौन आ गया, अब ऐसा इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप सीएल कोई SCC मानोगे, सीजियम प्लस को मान सकते हो कि बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर का रोल प्ले कर सकता है, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, यहाँ पर ही आ गया। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या होती है कि कॉर्नर वाले आपस में नहीं टच करते, परंतु ये जो कॉर्नर और बॉडी सेंटर वाले हैं वो जरूर टच करते हैं। तो कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसका कॉर्नर और बॉडी सेंटर जो है, जो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है √3a, तो होती है बॉडी डायगोनल की, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी उसकी हाफ होती है जस्ट बॉडी सेंटर की, बॉडी डायगोनल की जस्ट हाफ, बॉडी सेंटर और कॉर्नर की डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्या करना है, वो क्या रेडियस किसकी, कैटाइन की, प्लस रेडियस किसकी, एनाइन की, मतलब सीजियम की रेडियस प्लस किसकी रेडियस, उसकी सीजियम की रेडियस प्लस सीएल माइनस की रेडियस। और ये इंट्राआयनिक डिस्टेंस नहीं होगी क्या, इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस इंट्राआयनिक डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, इसको मैं डी मान लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है डियर, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √3a/2, तो इसमें आंसर आना चाहिए थर्ड। तो √3a/2 आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड। चले आगे, √3a/2 आंसर थर्ड आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है रक्सी कोलोइडो, हाँ क्वेश्चन अपन पहले अच्छे से करते हैं। ओके डियर, ये वाला गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड ABC एंड D आर दिस 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 रेस्पेक्टिवली, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ABCD आर इन ऑर्डर ऑफ, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, ABCD यदि उनकी गोल्ड नंबर दे रखा है, इनकी वैल्यूज दे रखी है, तो मतलब रक्षण क्षमता का क्रम क्या होगा, कौन ज़्यादा रक्षा कर पाएगा, किसका रक्षण क्षमता का चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, गोल्ड नंबर अपन ये बोलते हैं वो मिलीग्राम में अमाउंट जो प्रोटेक्ट कर पाए, वो मिलीग्राम में अमाउंट है जो प्रोटेक्ट कर पाए, तो कौन ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो सोचो कि जिसके कम अमाउंट मिलाने पर ही प्रोटेक्शन अच्छा कर पा रहा है, गोल्ड नंबर क्या होता है, वो मिलीग्राम में अमाउंट जो कि 10% NaCl के 1 ml से अपन प्रोटेक्ट कर पाए कि वो कोलोइड हो ना पाए, इसलिए अपन लायोफिलिक मिलाते हैं ताकि उस गोल्ड के कोलोइड सॉल्यूशन को अपन प्रोटेक्ट कर पाए उस NaCl के NaCl से, ताकि वो कोएगुलेट ना हो,
ये गोल्ड नंबर के अपन डेफिनेशन बताते हैं। तो सोचो कि यदि प्रोटेक्शन के लिए आपने जो लाइफ लिंक मिलाया है उसके कम अमाउंट से काम हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है ना, कम अमाउंट से ही वो प्रोटेक्शन अच्छा दे रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा प्रोटेक्टिव एजेंट है या अच्छा लाइफ लिंक एजेंट है जो अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहा है। और ये ज़्यादा अमाउंट मिलने पर आप काम हो रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट मिलाने पर प्रोटेक्शन दे रहा है, इसका मतलब इतना अच्छा मतलब प्रोटेक्टिव नहीं हो बंदा। तो पहले का जो जैसे ए है तो ए का 0.04 है, बी का 0.004, मतलब और कम है, मतलब इतनी सी अमाउंट, इतना मिलीग्राम बहुत है भाई साहब, सफिशियंट है, है ना। इसका 10 मिलाओगे तो जाके वो प्रोटेक्शन करेगा, इसका 40 मिलाओगे तो जाके प्रोटेक्शन करेगा, इतना ज़्यादा मिलाओगे तो जाके प्रोटेक्शन करना, तो बावड़ा कितना कमज़ोर प्रोटेक्टिव है। तो ज़्यादा अमाउंट मिलाओगे तो उतना ही कमज़ोर प्रोटेक्शन, ज़्यादा मिलो उतना कमज़ोर प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा चाहिए ना यार प्रोटेक्शन के लिए इसको। तो इसका मतलब सबसे कमज़ोर कौन हो जाएगा, डी वाला, उसके बाद जस्ट उससे ज़्यादा वाला थोड़ा ठीक प्रोटेक्टिव है 10 वाला, उसके बाद 0.04 ए वाला, और 0.004 लास्ट में आ जाएगा बी वाला। तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव में सबसे ज़्यादा अमाउंट जिसका मिला है वो प्रोटेक्टिव सबसे बेकार हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड, जिसका सबसे कम अमाउंट है जो कि बी है तो बी सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव। ओके डियर, तो ये भी वो कंप्लीट, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे, क्या बीच में इसलिए जगह छोड़ी ताकि सॉल्यूशन में कोई जगह स्पेस चाहिए तो काम में आ जाए ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, मतलब कोएगुलेटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, और किसको कोएगुलेट करना है, AH2S3 को। पहली बात तो AH2S3 को आपको पता होना चाहिए किस तरह का ये सोल है, सोल पॉजिटिव सोल की फिक्स वेराइटी होती है, फिक्स नेगेटिव सोल की भी एक वेराइटी होती है, यदि आपको ये पता नहीं किस वेराइटी का है तो दिक्कत आएगी। तो जो सल्फाइड है, सल्फाइड आर्सेनाइड जो है, इसका नेगेटिव सोल बनता है, तो नेगेटिव सोल को यदि कोएगुलेट करवाना है तो पॉजिटिव आयन का रोल होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में, तो जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतना आसानी से कोएगुलेट करवा देगा, उतना आसानी स्कंदित करवा देगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसमें, एल्यूमिनियम प्लस थ्री में, तो सबसे बढ़िया तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री करेगा प्रोटेक्शन, सबसे पहले एल्यूमिनियम प्लस थ्री आ जाना चाहिए फोर्थ नंबर। प्लस थ्री चार्ज है ना, इस पर है प्लस टू चार्ज, इस पर प्लस वन चार्ज, इस पर भी है प्लस वन चार्ज, तो क्योंकि जिसके चार्ज ज़्यादा होता है, जिसमें चार्ज ज़्यादा है वो अच्छा न्यूट्रलाइज करने में काम में आता है बेसिकली, वो ईजिली न्यूट्रलाइज कर देता है जिसपे कैटायनिक चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव को आपके सामने कोलोइड रखा हुआ है, नेगेटिव कोलोइड रखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्लस थ्री वाला हो जाएगा, फिर प्लस टू वाला हो जाएगा, और प्लस वन वाले दोनों ही तो सेम हो जाएंगे, तो इस पर आंसर बैठेगा एक तो ये फोर सबसे ज़्यादा हो गया, अच्छा प्रोटेक्ट मतलब अच्छे से उसको कोएगुलेट करवा देगा, फिर सबसे कम और ये दोनों इक्वल हो गए, थर्ड और फर्स्ट इक्वल हो गए, और फोर सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, तो आंसर आ जाएगा इसमें फोर्थ। ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रासायनिक अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जो आप केमिजॉप्सन है, केमिकल एडजॉप्सन है, तो पहली बात केमी एडजॉप्सन में होता क्या है कि ये एक अच्छे वैरायटी का एडजॉप्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग एडजॉप्शन होता है, तो पहले इस एडजॉप्शन में अपन बात करते हैं बॉन्ड भी अच्छा खासा बनता है, तो जब ये केमी एडजॉप्शन होता है किसी सरफेस पर तो क्योंकि गैस के पार्टिकल जो है इस पे आगे चिपकते हैं, तो डेल्टा एस तो नेगेटिव होगा ना, डेल्टा एस तो इसका नेगेटिव है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अच्छा बॉन्ड बनता है, तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, डेल्टा एस इसलिए नेगेटिव हो गया, एंट्रोपी कम हो गई, पार्टिकल वहाँ जाके चिपक गए, इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव, और डेल्टा एच इसलिए बॉन्ड अच्छा बनता है भाई साहब, एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होती है। अब डेल्टा जी की बात करें, डिपेंडेंट फंक्शन है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, चलो तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव नेगेटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाना है, और डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो सुनना, जब प्लस भी आ चुका है और माइनस भी आ चुका है, जब प्लस भी आ चुका है और माइनस भी आ चुका है, तो अपन बात करते हैं जब फिजियोप्शन होता है, जब भौतिक अधिशोषण होता है, तो अपन तापमान में थोड़ी चर्चा करते हैं, हालांकि इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेल्टा एच इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, जब कुछ नहीं बोला तो अपन डेल्टा एच पे काम करेंगे, डेल्टा एच से सोचेंगे, तो इसमें डेल्टा एच इतना सफिशियंट नेगेटिव होता है कि इसको क्या करता है, ओवरऑल जो नेगेटिव टर्म रिमेनिंग रह जाती है और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। जब आपने ये मेंशन किया जाए कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर तो अपन जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन जब ये मेंशन नहीं तो अपन इन जनरल जो डेल्टा एच की वैल्यू से जस्टिफाई करेंगे, डेल्टा एच यदि नेगेटिव अच्छा खासा होता है केमिज ऑप्शन में, तो
अपने जो एनसीईआरटी में उसमें तो फ्यूचर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा एच कम नेगेटिव वो 20 के आसपास दे रखा है, उसमें 80 के आसपास या 80 से आसपास चला जाता है वैल्यू, तो इसे बोलेंगे अच्छी खासी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इस वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें आंसर बैठेगा डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर जाना चाहिए सेकेंड। ओके डियर, चलो। और वैसे भी डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं जिसमें दोनों नेगेटिव दे रखे हों। ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव दे रखा है लेकिन डेल्टा एस गलत दे दिया पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग, हालांकि डेल्टा जी क्यों नेगेटिव दिया उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर तो अपने इन दोनों से आ रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव से वो दोनों से हो रहा है, लेकिन अपन और थोड़ा जस्टिफाई करना पड़े डेल्टा जी को भी, तो अपन कर सकते हैं कि इन जनरल अपन आंसर देना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है डियर, तो इसमें सेकंड आंसर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। शॉर्ट की डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड होता है, मतलब शॉर्ट की जब भी पाया जाता है उसके अंदर क्या खास बात हो ये देख लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस इंक्रीज, पहली बात तो शॉर्ट की डिफेक्ट है क्या जिसमें कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं, और इस तरह से एबसेंट होते नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और इसका बढ़िया एग्जांपल एनसीईआरटी में एनएसीएल वाला दे रखा है, और उस एनएसीएल के एग्जांपल में अपन देखते हैं कि एनए प्लस हटाए एक, यदि एक एनए प्लस हटाए तो एक ही सीएल माइनस हटेगा। इन जनरल सेम आयन के साथ ही चर्चा होती है इनकी, तो जितने कैटायन हटते उतने एनायन हटते हैं इन जनरल, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि मास कम हो गया, वॉल्यूम वही रहा, तो ये नहीं होगा। अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, नहीं अनइक्वल नंबर एकदम फिक्स नहीं कर सकते, इन जनरल सेम चार्ज वाले डिफेक्ट्स वो करते हैं, तो इक्वली नंबर आने चाहिए मेरे हिसाब से। एनायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरेस्ट, जो कि ये जो थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि भाई अपन एक एनायन अपनी जगह छोड़ के दूसरे अंतर्गासी स्थान पर चला जाएगा, इंटरस्टिशियल प्लेस पर जाएगा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। नेक्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस, सही बात है, क्योंकि अपन इन जनरल जो डिस्कस करते हैं वो सेम ही जो सेम टाइप के होते हैं उसी के अंदर अपन डील करते हैं, सेम टाइप के कैटायन और एनायन होते हैं जिसमें चार्ज सेम होता है, इसलिए इसमें फोर्थ आना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेजेंट इन, 8:8 का मतलब क्या है, अपने पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अपने पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो सी एन ए कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको अपन रेशियो में लिखा करते हैं, तो नो डाउट कि 8:8 लगा इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिखा है, 8:8 लिखा है इसका मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर सी एन ही लिखा है। और क्वेश्चन का पूछने का मतलब बस इतना है किसमें 8:8 सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, तो अपने को पता है कि 8 हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है जो अपन सीखते हैं जिन पार्टिकल्स में, और वो बीसीसी के अंदर आता है। बीसीसी के अंदर आने का मतलब ऐसा भी सोच सकते हो कि बॉडी सेंटर ऑक्यूपाइड है किसी किसी भी एनायन के द्वारा, या बॉडी सेंटर में जो क्यूबिक वॉइड था बॉडी सेंटर पर वो ऑक्यूपाई होना चाहिए, बस मुद्दे की बात ही है। और सीएससीएल भी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किया ही था, पहला ऑप्शन इसने सीएससीएल दे रखा है, अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सीएससीएल किस तरह से क्रिस्टलाइज होता है, सीएल माइनस कॉर्नर ऑक्यूपाई करता है और बॉडी के सेंटर में सीजियम प्लस रहता है, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 8 आ जाएगा कैटायन का। और क्योंकि मैंने कहा था कि एक कॉर्नर जो है वो भी बॉडी सेंटर का रोल प्ले कर सकता है, वैसे ही जैसे एक बॉडी सेंटर किसी और का कॉर्नर का रोल प्ले कर सकता है, एक बॉडी सेंटर किसी और का कॉर्नर का रोल प्ले कर सकता है, वैसे ही तो सीजियम की प्लस 8 सॉरी सीजियम की भी 8 आ रही है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सीएल की भी 8 ही आएगी। इसके ट्रिक की भी होती है, ट्रिक क्या होती है कि जैसे मॉलिक्यूल यदि 1:1 के रेशियो में है तो जो कैटायन की एक किसी एक के बराबर से निकाल सकते, या तो एनायन के आराम से निकलती है या कैटायन के आराम से निकलती है, और इजीली किसकी निकलती है जो वॉइड में होता है, क्योंकि वॉइड की सीन अपने को सबको अच्छे से पता रहती है, जैसे टीएचबी है तो अपने को पता है, ओएचबी का तो अपने को पता है, क्यूबी की पता है, हर किसी की अपने को वॉइड की मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है, उपसंयोजन संख्या जो भी रिक्ति का है उनका अपने को आसानी से पता रहता है, तो उस अनुपात में जाओ जो दे रखा है अणु के अंदर, जैसे ये 1:1 है, ये 1:1, 1:1, ये 1:2 है, तो जो रेशियो यहां पर होता है उसका ओपोजिट रेशियो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, मतलब यदि 1:2 इन एटम्स का रेशियो है तो 2:1 रेशियो किसका आएगा, इनके वॉइड्स जो सीएन नंबर है उसका आएगा, 2:1 के सीएन का रेशियो आएगा, तो उस तरह से अपन जस्टिफाई कर सकते हैं, ट्रिक भी फॉर्म में इसकी जो काम ले सकते हैं, तो इसमें सीएससीएल इजीली दिख रहा है अपने को। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि कौन सा वॉइड
सबसे बड़ा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका रेडियस रेशो सबसे ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस रेशो छोटा इसका उसका वॉइड भी छोटा, साइज भी छोटा, जिसका रेडियस रेशो बड़ा उसका बीच में जगह भी क्या रही होगी बड़ी। तो एक्चुअली रेडियस रेशो अपन जस्टिफाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा रेडियस रेशो आता है क्यूबिक वॉइड का 0.731 अपन बोलते हैं। तो इसमें सेकेंड सिंपल सा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेक इक्वेशन क्या है। तो मेरे हिसाब से ब्रेक इक्वेशन जो बहुत अच्छी एप्लीकेबल है, जो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में डिस्टेंस बताती है। तो 2d sin थीटा, ये अपन हालांकि अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा इसका सिर्फ इक्वेशन ही है जो दे रखा है n लैम्डा, इससे अपन जस्टिफाई करते हैं। ये जो लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है d, और n ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, और उसके अलावा साइन थीटा जिस एंगल पर आप इसको गिरा रहे हो, जैसे रे को अपन जब सॉलिड पे गिराते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ गिराते हैं। ओके डियर, तो इसमें इन जनरल इक्वेशन ही पूछी गई तो सिंपल फॉर्मूला ही लिखूंगा मैं, यदि न्यूमेरिकल होता तो अपन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करते हैं। ओके डियर, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा 2d sin θ सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि CSBR हैज BCC स्ट्रक्चर। हाँ, मैंने कहा था ना कि CSCL है तो कुछ लोग इसको BCC भी बोलते हैं, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, BCC बोलना रहो, और सही फॉर्म क्या एक्चुअली इसका, जो N9 है वो SCC बना रहा है, और बॉडी सेंटर में जो है, हालांकि ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, एक्चुअली JEE मेन के क्वेश्चन में भी एक बार ऐसा वर्ड काम में ले रखा है इसको BCC के टर्म में। तो इसके बाद जनरली सब लोग इसके नोट्स में भी लिखवाने लगे इसको BCC की तरह। ठीक है, तो सीधे हैज BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ इज। ठीक है, एज लेंथ का मतलब ये दे दिया अपने को, सॉरी एज लेंथ का मतलब अपने को ए दे दिया है 4.3 angstrom। ठीक है, द शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस बिटवीन आयन, जो टच कर रहे होंगे उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो उस केस में ए जो है वो अपने को पता है। और जब पार्टिकल्स बॉडी सेंटर वाला कोर्डर को टच करता है, जिसके बीच की डिस्टेंस अपन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, √3a/2 होता है, और √3a/2 जो वैल्यू है वो इंटरआयनिक डिस्टेंस डी के इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले फंडा काम में भी आया था, तो √3 की वैल्यू 0.731 होता है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ए की वैल्यू 4.3। अब ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है, और मतलब 1.731 डिवाइड बाई 2 × 4.3, ए की वैल्यू पुट कर दें तो इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स 3 point, हालांकि कैलकुलेटर से इसको वैल्यू को सोल्व करना, हालांकि बहुत अजीब सा डेटा नहीं है, पर नॉर्मली अपन इसको डील कर सकते हैं, 3.72 आता है इससे वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो। ओके डियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 4.1 m BaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, आई पूछ रहा है इस सॉल्यूशन इज दिस। अच्छा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इसके लिए दे रखा है, किसके लिए, BaNO3 के होल ट्वाइस के लिए, आई की वैल्यू गिवन है, इसके लिए वॉन्ट ऑफ गुणा दे रखा है 2.74। ठीक है, अब क्या बोला था, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा पूछा गया है, तो अपने को पता है अल्फा इज गोज टू i − 1/n − 1, अल्फा पूछा हुआ है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2.74 दे रखा है, डिवाइड −1 करना है, और इसको डिवाइड करना है किससे, n − 1, n की वो वैल्यू है जितने वो डिसोसिएट हो सकता है, तो n वो वैल्यू जितने वो डिसोसिएट हो सकता है, तो ये डिसोसिएट कितने में हो जाता होगा, एक बेरियम प्लस देगा जब डिसोसिएट होगा, और दो देंगे NO3 − NO3 − ion, तो टोटल 3 ion दे सकता है, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 − 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.74 डिवाइड बाय आ जाएगा 2। तो इसमें कर लेते हैं इसको डिवाइड, तो लगभग 0.87 इतना कोई करीब आना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा 0.87 वैल्यू आ जाएगा परसेंट में, तो 87% आ जाएगा। ओके डियर, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 13th question बोल रहा है कि कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ना घटता हुआ क्रम कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट का। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट का अपन बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है डेल्टा TF जो होता है, जो डेल्टा TF है वो क्या होता है, IMKF, डेल्टा TF इज गोज टू IMKF, KF तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, I × m डिसाइड करेगा, और नया जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है TF डैश वो क्या आता है, 0 माइनस
डेल्टा टी एफ, नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, जीरो माइनस डेल्टा टी एफ। एक बात सोचो कि यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यदि डेल्टा टी एफ ज़्यादा है तो नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू जाएगी, इसका मतलब टी एफ कम हो जाएगा, और डेल्टा टी एफ उसका ज़्यादा होगा जिसका आई एम ज़्यादा है, जिसका आई एम ज़्यादा है, जिसका आई एम ज़्यादा है उसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा, तो डेल्टा जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा नया वो कम नहीं हो जाएगी, जीरो के माइनस में है वो। तो एक तरह से अपने को ये देखना है कि जिसमें आई एम ज़्यादा, जिसका आई एम ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो देखते हैं अपन लोग, तो इसमें आई इंटू एम की वैल्यू चेक करनी और कुछ नहीं करना, तो इन वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे पहला वाला अपन कोई भी एक पर्टिकुलर सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो कौन कौन दे रखे कंपाउंड अपने को, 0.05 mKNO3 है। यदि इसका आई इंटू एम लिखा दें, आई कितना है 0.05, सॉरी आई है 2, क्योंकि दो आयन देगा, 100% डिसोसिएशन मानना पड़ेगा, और आई इंटू क्या हो जाएगा एम, मोलरिटी, और मोलरिटी इक्वल मान के काम करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1। ठीक है, इसके लिए आई इंटू एम आ गया। दूसरा किसके लिए है, ये हो गया KNO3 BaCl2 के लिए, देखते रहते हैं BaCl2 के लिए कितना आ रहा है वैल्यू। BaCl2 का पहले लिखते हैं आई, आई कितना आ जाएगा 3, आई 3 क्यों है पता चला, Ba प्लस 2 प्लस 2 Cl माइनस, तो 3 आई आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.04 से, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.04 मल्टीप्लाई 3, तो 0.0 रुको रे, ठीक है, तो 0.12 इसकी वैल्यू आ जाएगी BaCl2 के लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्लूकोज सरकरा, सॉरी, तो इसके लिए शुगर के लिए अपने पता है कि वैल्यू 1 ही रहती है। वैल्यू इसलिए 1 रहती है क्योंकि ना डिकम्पोज होता है, ना एसोसिएट होता है, ना डिसोसिएट होता है, ना जुड़ता है, ना टूटता है। तो यदि शुगर के लिए बात करूँ तो आई इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसकी कंसेंट्रेशन है पॉइंट, जो भी कंसेंट्रेशन वही रह जाएगी, आई की वैल्यू तो 1 है, तो जो कंसेंट्रेशन वो बेचारे, अरे 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 क्या हुआ रे, पूरा हट गया क्या, ये कितना था 0.1 था ना, ठीक है, ये कितना था 0.12, और ये कितना है 0.14, और लास्ट में कौन आया KNO3, KNO3 का आई की वैल्यू कितना है, नहीं लास्ट में CuSO4, तो 0.CU ऐसे पहले ऑप्शन में सारे जो आयन दे रखे उनको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 0.15 आ जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसी ऑर्डर में आ गया, वाह इंक्रीजिंग बढ़िया है। तो इसका यदि बात करूँ ये वैल्यू का ऑर्डर, तो ये आ गया ना इसका सबसे ज़्यादा, ये वाली वैल्यू है, तो जब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा बेचारे का, तो सबसे कम हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे कम आना चाहिए इस बंदे का, सबसे कम आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ही आ जाएगा आंसर अपना, बड़ी ऑर्डर बैठ गया, पहले चेक किया, पहले काम बन गया अपना, तो ठीक है, ऐसे ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ऐसा आता है जो चेक करो, यही सारा फोर्थ का मिलता था, अपना सारा चेक करते परेशान हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 14 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा हो रही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, वायु में इतना मोल फ्रैक्शन है 0.8, हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे दी, ठीक है, टेम्परेचर इस पर हेनरी नियतांक का मान है, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन सॉरी 5 मोल ऑफ वाटर एट दिस प्रेशर, यदि इतना 5 ATM पर यदि अपन ने वायु को दबाया 5 ATM पर, तो कितना ऐसा मोल है जो इसमें घुल चुका होगा N2 का, वो चेक करना है 5 मोल पानी में। तो देख लेते हैं अपने को हेनरी, जो हेनरी रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसकी इक्वेशन देख रखी है, पी ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर रखना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर के एच आता है हेनरी कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ओके, इस गैस का पार्शियल प्रेशर रखना होता है, इस गैस के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर रखे जाते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो अपने को पता करना है, टोटल प्रेशर 5 है, उसको पार्शियल प्रेशर 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके फ्रैक्शन से, इस गोज टू केज कितना दे रखा है 1 × 10⁵, ये आ गई केज की वैल्यू, और एक्स मोल फ्रैक्शन जो है उसमें क्या है मोल्स ऑफ गैस, तो एन मान लेता हूँ मैं, डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल मोल क्या होगा 5 + मोल्स ऑफ गैस, लेकिन अपने को पता है कि गैस के मोल इतने कम डिजोल्व होते हैं उस केस में, अपन 5 के सामने उसको नेगलेक्ट मान के भी काम कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 5 / 10⁵ = n, तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻²⁻⁴ आ जाना चाहिए, कि ऊपर 20 बनेगा तो उसको अपन ने सेट किया, एडजस्ट किया, तो 2 × 10⁻⁴ आ जाएगा। चलो तो 2 × 10⁻⁴ सेकेंड आंसर, ओके डियर, चलो
नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि यदि एक किसी शुद्ध प्योर वाटर को अपन रख दें, प्योर द्रव को, लिक्विड को वाटर दें, वेपर, उसका जो वेपर प्रेशर उस पर किस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो बात कर लेते हैं किस पे कैसे डिपेंड करेगा। पहली बात कि टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा क्या, तो भाई साहब टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है इफेक्ट डालने वाला, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, नहीं 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 क्वांटिटी ऑफ लिक्विड नहीं, वो अपना इक्विलिब्रियम वहीं एस्टेब्लिश करेगा जहां पर वो एस्टेब्लिश करता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर पे कोई डिपेंडेंस नहीं, क्योंकि अपर सरफेस का मेन बड़ा रोल होता है, वहीं से वोलेटाइल नेचर शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, लेकिन सरफेस एरिया ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो वेपर ज़्यादा बनेगी तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझते हैं कैसे, यदि आप इस लिक्विड में और एक आप इस बीकर में, लिक्विड तो क्या बीकर सेम लिक्विड है, एक इसमें लिक्विड रखा हुआ है आपने, एक इसमें लिक्विड रखा हुआ है, इसमें सरफेस एरिया कम है, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, दोनों में पानी लिक्विड ले रहा हूँ H2O, लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है किसके साथ, H2O गैस के साथ, तो यदि H2O लिक्विड गैस के साथ अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है और इसका अपन डिफाइन करना चाहें KP, तो इसका KP होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, चेक कर लो इसका KP क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, तो इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है उसका KP तब तक नहीं बदलता जब तक कि आप इसका टेम्परेचर ना बदलो। तो सेम इक्वेशन है, सेम लिक्विड है, सरफेस एरिया पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली वेपर प्रेशर जो फंडा है ना वो पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का है, जो वाष्प दाब है वो किस चीज़ का कंसेप्ट है, जो कणों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, कणों के बीच में जो आपस में अंतरणविक आकर्षण बल लग रहा है उस पर ही निर्भर करता है केवल। आप तापमान बढ़ाते हो तो क्यों वो बढ़ जाता है, क्योंकि अंतरणविक बल कमजोर हो जाते हैं, तो अंतरणविक बल जैसे थे ना उस पर निर्भरता है, और पात्र को बदलोगे तब भी अंतरणविक बल नहीं बदलता, और सतह के क्षेत्रफल को बदलोगे तब भी अंतरणविक बल नहीं बदलता, तो वास्तविकता वही रहता है। तो मेरे हिसाब से इसमें डिपेंडेंसी जो है वो ए पे आ जानी चाहिए, तो आंसर आना चाहिए इसमें फर्स्ट ओनली ए, केवल ए, ओके डियर। चलो नेक्स्ट अपन डील करते हैं 15th, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 16 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर इज ऑफ 1 मोल ए, मतलब ये ले लिया ए का कितना 1 मोल, फिर क्या है 2 मोल ऑफ बी, बी का भी दिया है 2 मोल, और क्योंकि उनका पी नोट ए वेपर प्रेशर दे रखा है, पी नोट भी वेपर प्रेशर दे रखा है, इससे पता चल रहा है दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, ठीक आगे चलते हैं, और उसका PS दे दिया, तो जब भी PS सामने वाले क्वेश्चन वाले दे रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकल जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई है उसको अपन ने रखा है, जो मैनोमीटर से जैसे तैसे कैलकुलेट किया होगा, तो अपन ने थियोरटिकल जो सीखा है PS का फॉर्मूला राउल्ट लॉ से, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, तो पी नोट अपने क्या दे रखा है वैल्यू, पी नोट ए, पी नोट ए, पी नोट ए 150, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक के मोल अपन टोटल मोल, एक के मोल अपन टोटल मोल, कितने इसके मोल फ्रैक्शन, एक मोल है 1 अपॉन टोटल मोल हो गया 3 प्लस बी नॉट बी इसका 200 आ गया, इनटू इसके मोल फ्रैक्शन कितने आ गए 1 बाई इसके मोल फ्रैक्शन आ गए 2 बाई 3, अच्छा उसका 240 दे रखा है क्या प्रेशर, सॉरी इसका 240 है ना, 240 है, 240 है, 240 × 2/3, ठीक है डियर। चलो तो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा इसे जाएगा 80, ठीक है, और × 2 160 हो जाएगा, 160 प्लस ये हो जाएगा 210, तो ये प्रेशर आएगा 210, मतलब थियोरटिकल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन वो तो है 210, और प्रैक्टिकल कितना दे रखा भाई जी 200, तो थियोरटिकल और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कम रह गया और प्रैक्टिकली कम आया, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और तगड़ा आया, तगड़ा मतलब नेगेटिव डिवीजन है, सीधी सी बात है, तो कम आता है, वैसे नेगेटिव डिवीजन थोड़ा अपने पता भी रहना चाहिए, तो राउल्ट लॉ से इसका नेगेटिव डिवीजन आ जाएगा, तो नेक्स्ट का आंसर हो गया 2nd, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राउल्ट लॉ से नेगेटिव डिवीजन, यदि ज़्यादा आ जाता बाई चांस ये ज़्यादा होता या ये कम आ जाता 190 आता तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव डिवीजन आ जाता, पर अभी आंसर क्या है इसका
क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि प्रैक्टिकली वैल्यू कम आ गई है. ओके डियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन. तो 17 क्वेश्चन में बोला है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, परासरण दाब क्या होगा. करते हैं कंटिन्यू. चलो तो परासरण दाब क्या है, किसका पूछा, सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर, सुपर नहीं सुगर, केन सुगर जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है. केन सुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है. तो सिंपल सी बात है, पाई इज़ टू क्या होता है, सी आर टी. लेकिन आई सी आर टी तब काम में रहते हैं जब आगे डिसोसिएट एसोसिएट हो, जब टूटता हो या वियोजित होता है या घुलता हो. लेकिन यहाँ पर अपने को पता है कि सुगर नहीं टूटती, ठीक है. तो पाई जब फॉर्मूला जो है, पाई इज गोज टू सी कितना है कंसेंट्रेशन. हाँ, अपने को दे रखा है डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, और अपने को पता है मोरलिटी क्या होती है, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज जो होती है, जो भी वैल्यू डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज जो दे रखा है, इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास 342 आएगा इसका मोलर मास. अपने को पता भी होना चाहिए मेरे हिसाब से ये. तो 5 × 10 डिवाइड बाई 342. ओके डियर, और आर इसका वैल्यू 0.0821 आता है, और मल्टीप्लाई टेम्परेचर 150, लेकिन इसको 273 से ऐड करना पड़ेगा कैलोरी. तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर अपन कंसिडर करेंगे, और इससे 5 अप्रोक्स वैल्यू आती है, 5 के अप्रोक्स बोले तो थर्ड. ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं. कैलकुलेशन थोड़ी सी, पर इतनी कैलकुलेशन चलती है मेरे हिसाब से. नेक्स्ट करते हैं डील. ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी भाई साहब कहाँ से आ गए, ये हो गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ये क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे. ठीक है, करते हैं कंटिन्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, किसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सेम आएगी. वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोले तो आई, आई की वैल्यू किसमें है सेम, ये पूछा जा रहा है. तो बात करते हैं, तो Al2SO4 होल थ्राइस के लिए आई का वैल्यू देख लेते हैं, आपको अल्फा 100% मानना है. ठीक है, तो ये 2 तो देगा एल्यूमिनियम प्लस 3 का आयन, और 3 देगा SO4 माइनस 2 का आयन, टोटल आयन कितने हो जाएंगे 5. तो मतलब इसके लिए तो आई का वैल्यू 5 है. आपको अब चेक करना है कि ऑप्शन में किसका 5 आ रहा है, आपको चेक करना है ऑप्शन में किसका 5 वैल्यू आ रहा है. तो देख लेते हैं ऑप्शन के, यहाँ पर देखते हैं इसको चेक करते हैं. तो ये पानी में जब K4 Fe CN6 टूटेगा तो पानी में क्या देगा, हालांकि इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाना चाहिए मेरे को, इरेजर बहुत बड़ा आता है यार, मेरा हाथ बहुत बड़ा ही है. चलो नेक्स्ट, ये जब टूटेगा तो क्या देगा, 4 तो प्लस के आ जाएगा, और प्लस FeCN6 माइनस फोर. ठीक है डियर, चलो हालांकि इसका भी ऐसे ही देख सकते थे, Al2SO4 का भी, Al2SO4 होल थ्राइस का भी ऐसे ही देख सकते थे, जब टोटल 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 3 SO4 माइनस 2. ठीक है डियर, तो ये इसमें आ सकता है. तो टोटल इसके लिए भी तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5. तो वैसे इसमें टोटल 5 आयन मिले, तो इसके लिए आई के लिए देख लेते हैं, 4 तो ये रहा और एक ये रहा 5. अरे वाह, ये भी पहला ऑप्शन सेट बैठ गया, तो बढ़िया, अच्छा है कि बार बार सारे ऑप्शन चेक नहीं करने. इसका आई की वैल्यू 5 होगी, इसके लिए चेक करते तो 3 आ जाती, इसके लिए चेक किया, लेकिन आंसर नहीं बता रहा हूँ, 3 है इसके लिए वैल्यू, इसके लिए 4 वैल्यू हो जाती, इसके लिए भी 4 वैल्यू हो जाती है. ठीक है डियर, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा अपना, आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट है 19 बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, जो इतना ग्राम वाटर में अपन ऐड किया है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर. एक बात तो ये ध्यान रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस देने का मतलब यही है कि पी नोट ए आपको दे रखा है, पी नोट ऑफ H2 दे रखा है आपको 760 mmHg, ये हमेशा ध्यान रखो आप. और PS क्या आ जाता है, अपने को पता है पी नोट ए एक्स ए. अभी पानी के लिए बात करें, PS क्या, पी नोट पानी का रखेंगे अपन लोग, क्योंकि दूसरा नॉन वोलेटाइल है ग्लूकोज जो है वो नॉन वोलेटाइल है. तो पी नोट ए पानी का आ जाएगा, पी नोट ए इंटू, यहाँ पर मेरे को H2 लिखना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर H2 ज़्यादा बढ़िया लगेगा, पी नोट ऑफ H2O, और मोल फ्रैक्शन भी किसका रखना है H2O का, क्योंकि H2O की वजह से ही होगा, क्योंकि दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कंपोनेंट है. तो
इस इंस्टेंट पर S2 का 760 होता है। बात रही मोल फ्रैक्शन की, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। पहले बात करें 18 ग्राम ग्लूकोज है जिसके मोल होते हैं 180, तो 0.1 मोल तो आगे ग्लूकोज के। उसके बाद 178.2 डिवाइड बाई 18, ये अप्रोक्स आएगा 180 होता है, 180 से तो 9 आ जाएगा, लेकिन 180 से थोड़ा सा कम है तो ये लगभग 9.9 के आसपास वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू लगभग 9.9 ही काम रहता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 9.9 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अच्छा ये 9.9 ही होना चाहिए ताकि ऐड करने पर कितना आ जाइए, 10 आ जाएगा ना, अच्छी चीज़ है ये। तो इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल, अप्रोक्स ये 0.9 के आसपास आएगा। तो लगभग वैल्यू इसको जब सोल्व करेंगे तो इसके आसपास ही रहेगी, 760 जब सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। सेकंड वाले इस वैल्यू को जब डिवाइड करके देखेंगे, ओके क्लियर, इसको सोल्व करना है बस। चलो नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इन इंडिकेटर, जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा आपको डिफेक्ट लग रहा है इस डायग्राम को देखते हुए। तो सिंपल सी बात, इस डायग्राम में खास बात क्या है कि जगह जो खाली छोड़ी है यहाँ पर Na+ रहा होगा, जगह जो खाली छोड़ी यहाँ पर Cl- रहा होगा, एक कैटायन एक है ना, दोनों अब्सेंट है, जब ये आयंस अब्सेंट होते हैं अपनी जगह पर तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है सेकेंड, ओके डियर। चलो नेक्स्ट का चर्चा करते हैं, 21st अब है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन सेक्शन नेक्स्ट है, जिसमें अपने को इंटीजर क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, टू आयंस ए प्लस एंड बी माइनस हैव 88 एंड 200 पीएम, इनकी रेडियस दे रखी है, ओके डियर, इनकी रेडियस दे रखी है। इन सीसी विद क्रिस्टलन कंपाउंड प्रिडिक्ट, हाँ इनका सीएन क्या होगा अपने को जस्टिफाई करना है। तो पहले तो अपन इस कैटायन और एनायन को देखना पड़ेगा, जो ए प्लस वो किस सी एन होना, जो दो धनायन है, जो कैटायन है वो किस छोटे साइज, क्योंकि छोटा साइज है धनायन का, वो वॉइड के अंदर जाएगा, तो कौन से वॉइड में जाएगा ये पता करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है भाई साहब कि आप ए प्लस और बी माइनस का रेडियस रेशियो निकाल लो, जिसको आर प्लस आर माइनस बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा 88 अपॉन 200, ये आ जाएगा 44 अपॉन 100, ये आ जाएगा 0.44, और 0.44 जो होता है अपने को पता है रेडियस रेशियो, सबसे पहले जब अपन वैल्यू 0.115 आता है सबसे पहले, फिर आता है 0.225, उसके बारे में वैल्यू आता है 0.225 THB के लिए होता है ना, THB के लिए, और इसका 0.414 OHP के लिए आता है। तो 0.141 से बड़ा लेकर 0.731 तक इसकी रेंज लिखवाई जाती है OHP की, और ये OHP की रेंज में है, मतलब इसका जो रेडियस रेशो का जो रेंज है OHP का, OHP का जो रेडियस रेशो का रेंज है वो लिखाने का तरीका क्या, 0.731 से तो होना चाहिए, इक्वल हो सकता है 0.414 के। तो ये OHP का रेडियस रेशो रेंज है, और OHP की जो ऑक्टाहाइड्रल की जो रेडियस रेशो है या ऑक्टाहाइड्रल की जो CN है वो कितनी होती है, 6, क्योंकि उसमें ऑक्टाहाइड्रल के अंदर 6 पार्टिकल टच कर रहे होते हैं, जो सेंटर में जो जगह होती है वहाँ पर रखे एटम को, ठीक है डियर। तो इसमें आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 6 आंसर, जो इसके CN है वो 6 चली जाएगी, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए डियर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा है, ये है सरफेस केमिस्ट्री से, प्लॉट ऑफ X/M, लोग X/M का प्लॉट बनाया जा रहा है, सॉरी किसका प्लॉट बनाया जा रहा है, किसका प्लॉट बनाया जा रहा है, लोग इसको नीचे रखते हैं, आजा भाई, लोग X/M का प्लॉट बनाया जा रहा है, लोग पी के वर्सेस, ठीक है लोग पी के वर्सेस बना देते हैं, का दिक्कत है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आती है, अपन को पता भी है, अपन रिलेशनशिप बना भी लेंगे, एंगल दे दिया 45 डिग्री, टेन थीटा 45 है, तो स्लोप आ जाएगी 1, ठीक है चलते हैं आगे। व्हेन प्रेशर इज दिस, प्रेशर दे रखा है, ठीक है, के की वैल्यू कितनी दे रही है, 10, अब इसमें के कॉन्स्टेंट भी आता है, उसको भी कम, के की वैल्यू 10 दे रही है, द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड बाई एड्जॉर्बेट कितना है उसने, पर ग्राम से, मतलब X/M पूछा इसने, पर ग्राम में कितना एड्जॉर्ब, इसका X/M की वैल्यू पूछ रहा है, करते हैं डिस्कस क्या दिक्कत है। पहली बात तो X/M जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, P की पावर 1/N के, जिससे अपन लिखते हैं X/M
इज गोज टू कॉन्स्टेंट और पी की पावर वन बाई एन, जिसमें लोग लेते हैं तो फाइनल इक्वेशन बनती है लोग एक्स बाई एम इज गोज टू लोग के प्लस वन बाई एन लोग पी। ठीक है डियर, अब जो इक्वेशन बनी है, जो ग्राफ बनाया गया, इस पे वाई एक्सिस पे इसको रखा है, ठीक है भाई जी, एक्स एक्सिस पे इसको रखा है, ये स्लोप आ जाएगी वन बाई एन, प्लस की जगह प्लस आ गया और ये सी आ गया, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब इसमें अपने को जो वैल्यू है वो एम स्लोप है जो कि 45 डिग्री दे रखा है, तो वन बाई एन की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी, 110 45 1 होता है। चलो उसके बाद में क्या है, के के की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, के की वैल्यू अपने को डायरेक्ट दे रखी है 10, ठीक है, इस इक्वेशन पुट कर दूँ, और प्रेशर दे रखा है 0.5, डायरेक्ट इस वैल्यू, इस इक्वेशन तो एक्स वाई अपने को निकालना है, तो क्यों अपन लोग की वैल्यू काम में ले, इसके बिना काम कर सकते हैं, तो लोग के का जो वैल्यू है वो है 10, सॉरी के का वैल्यू ओनली, और पी का वैल्यू 0.5 है, और 0.5 की पावर 1 बाई दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 5, 10 इंटू 0.5 दैट इज 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 फाइनली। चलो हालांकि लोग 5 की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ रही, हालांकि जरूरत है नहीं इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये डायग्राम है, देखो, फॉर द सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पॉइंट बी, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये जो बी पॉइंट है कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, ये एज के सेंटर में, आपको सबको पता है कि पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है सीसीपी को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉर्नर भरे हुए हैं उसी साइज से फेस सेंटर बना है, तो सीसीपी बना, इसको समझ में आता है भाई साहब। अब सीसीपी का जो ये वाला कॉर्नर वाला है और ये जो बी जो है वो एज का सेंटर, और एज का जो सेंटर होता है वो ओएचपी को ऑक्यूपाई करता है, तो बी पॉइंट का पूछा है एज का सेंटर वाले का, तो एज का सेंटर है उसका पॉइंट जो बी पॉइंट है उस पर सबको पता है कि इसकी सी एन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की सी एन के इक्वल होती है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड यही है, उसकी भी सी एन 6 होती है, इसको 6 जने टच कर रहे हैं, और अच्छे से चर्चा करें तो 6 कौन से टच करते हैं बता भी सकते हैं, एक ही टच कर रहा है, एक ही टच कर रहा है, दो ही हो गए, तीसरा ये टच कर रहा है, चौथा उस फेज के बराबर एक और फेज है ये टच कर रहा होगा, तो 1 2 3 4 4 हो गए। अब ये जो एज है, इस एज पे आपको पता है कि एक ऊपर वाली जो फेस है, ये जो फेस है जिस डिस्टेंस पे, वही डिस्टेंस ऊपर वाली फेस नहीं होगी क्या, और ये डिस्टेंस नीचे वाली फेस नहीं होगी क्या, तो इस एज सेंटर पे रखे हुए को दो कोने, ये दो फेस और ये दो फेस सेंटर, तो टोटल 6 जने टच करेंगे, सीन कितनी आ गई 6, चले भाई साहब आगे, सीन कितनी आ गई रे 6। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है उसमें 10 ग्राम यानी 100 ग्राम पर लीटर, मतलब डेसीमीटर क्यों, मतलब लीटर, ठीक है, यूरिया को, जिसका मोलर मास दे रखा है, अच्छी बात है, आइसोटिन भी इसके सॉल्यूशन का आइसो जो कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कितना होगा, तो जब भी कोई आइसोटोनिक है तो अपन बोलते हैं, कभी पेन भूल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, येल है। चलो तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर करना है, आइसोटोनिक का मतलब पाई वन इज गोज टू पाई टू, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर देते हैं, और पाई इज गोज टू क्या होता है आईसीआरटी, पाई क्या होता है आईसीआरटी, तो मैं इसको क्या मिला, तो सीआरटी या सी वन आर टी इज गोज टू सी टू आर टी, मतलब सी वन बराबर सी टू, दोनों कंसनट्रेशन क्या होगी इक्वल, दोनों कंसनट्रेशन क्या होनी है इक्वल कर देते हैं, तो सी वन सी टू क्या करना है अपने को इक्वल, तो सी वन बराबर सी टू, दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल करेंगे तो मतलब मोलरिटी इक्वल करना, तो पहले वाले की मोलरिटी कितनी आ गई, तो 10 ग्राम एक लीटर में घोला है, ठीक है, सॉरी 100 ग्राम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय एक लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था कि परसेंटेज जो है उससे कैलकुलेट करते हैं, अब आपको ये परसेंट बताया नहीं कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डब्ल्यू बाई वी है, लेकिन आपको यहाँ जरूरत मोलरता में, तो आपको डब्ल्यू बाई वी मानना ही पड़ेगा भाई साहब, तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं 5% है ना, तो 5 10 मतलब परसेंटेज को 10 से गुणा करते हैं, यहाँ पर ये बताया मैंने, और डिवाइड मोलर मास m, ठीक है डियर, तो इसकी क्या आ गई ये कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इससे ये कट जाना है, इससे ये कट जाना है, ये m मोलरिटी नहीं, मैंने मोलर मास माना है, ठीक है, कैपिटल देखते वो दिमाग कूदता है, इस मोले मान लेता हूँ ताकि तुम भी परेशान नहीं हो, कितना जाएगा 5 × 36, इसका आंसर 30, ओके डियर, तो ये आ गया इसका मोलर मास। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के लिए केफ ये है वो पता ही, अपने को याद भी करना होता है। यदि किसी ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में 1 kg पानी भरा है, ठीक है, तो कितना मतलब इसमें मतलब हिमांक ही लाना है, तो इसको कितना और मिक्स करना चाहिए, इस फ्रीजिंग पॉइंट तक को लाने के लिए कितना अमाउंट और मिलना चाहिए, मिलाना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। चलो तो पहले अपन देखते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू एम के एफ, आई का वैल्यू 1 है, वैसे ग्लाइकोल टूटेगा नहीं, तो आई एम के एफ की जगह के एफ लिख देंगे, और डेल्टा टी एफ कितना है 0.93, कमी इतनी के लिए, डेल्टा टी एफ कमी को बताता है, तो कमी 0.93 की लानी है, इज इक्वल्स टू एम, मोलिटी पता नहीं है तो मोलिटी को लिख सकता हूँ इस टर्म में, मोलिटी लिख सकते हैं क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स आ जाएंगे तो गिवन मास कितना है, कितने ग्राम ने दे रखा, अपॉन मोलर मास, मोलर मास देखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 24, 6, 32, ठीक है, 6, 4, 10, 2, 12 और 6, 6, 3, 3, 6, ठीक है 62 आ जाएगा, ठीक है भाई जी, ठीक है। केएफ कितना होता है 1.86। चलो तो ये इससे 2 बार कट जाना है, ये इससे 31 बार कट जाना है, तो जो गिवन मास, हाँ मोलिटी रखिए डिवाइड बाई 1 kg सोलवेंट का मास रखना भूल गया, पर अच्छा 1 ये तो दिक्कत ही नहीं है, तो एम क्या जाएगा 31 kg, तो 31 kg इसका मास आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये इस पेपर का अपन ने सॉल्यूशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं नवीन जोशी, केमिस्ट्री टीम CLC से, थैंक यू सो मच।